कि क्या हालचाल है। तो पार्ट टू में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगर आप लोगों ने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर देख लो। अगर उसे नहीं देखोगे तो ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लास्ट सीन में हमने देखा था बेलिन को, जो कि अपने आप को एक सीक्रेट रूम में बंद कर लेती है। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पर एड्रियन को देखते हैं, जो कि अभी अभी घर आया था फ्लावर लेके बेलिन के लिए। हम लोग देखते हैं वो फोन को चेक करता है और फोन में वो उसी वीडियो को देखता है जो कि बेलिन ने उसके लिए बनाई थी। अब यहाँ पर उसे लगता है कि बेलिन उसे छोड़ के चले गई है, पर यहाँ पर बेलिन उसे एक सीक्रेट रूम में से ये सब करते हुए देख रही थी। हम लोग देखते हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में आता है। हम देखते हैं कि वो जाने लगता है, वो बहुत ज्यादा टेंशन में था, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। हम लोग बेलिन को देखते हैं जो कि अब ये मजाक करना छोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो यहाँ पर की ढूंढती है बाहर निकलने की, पर उसे की नहीं मिल पाती। हम लोग देखते हैं वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो भी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। हम लोग देखते हैं वो यहाँ पर अपने सेल फोन को देखती है। वहां पर हम देखते हैं कि इसके सेल फोन में बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये जो रूम था ये पूरी तरह से नेटवर्क से लॉक, क्योंकि ये रूम जब बनाया गया था इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी से ये रूम बनाया गया था। अब क्योंकि एड्रियन को बेलिन नहीं मिल रही थी तो वो पुलिस के पास जाता है उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम लोग बेलिन को देखते हैं, जिसको कि खाने के लिए कुछ भी मिल नहीं रहा था, उसको पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो वो वहाँ पर बाथरूम के गंदे पानी से ही अपनी प्यास को बुझाती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेलिन एड्रियन को भी बड़बड़ाते हुए देखती है, और वो ये कह रहा था कि अब मैं किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करूंगा, और अब मैं बेलिन मेरे पास अब आएगी भी तो मैं उसको भगा दूंगा, मैं यहाँ पर उसके साथ अब ब्रेकअप कर लूंगा। हम लोग यहाँ पर बेलिन को देखते हैं जो कि उसे आवाज देने की कोशिश कर रही होती है, पर अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। हम लोग ये सब देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंक का पानी था वो हिल रहा था, जो भी बेलिन वहां पर अंदर हलचल कर रही थी, पर यहाँ पर उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। अब उसके कुछ दिनों बाद ही हम लोग एड्रियन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फोबियाना को लाता है और उसके साथ गप्पा गप कार्यक्रम करता है, जिसको करते देख बेलिन उसे देख लेते हैं, जिससे कि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। हम लोग यहाँ पर फोबियाना को भी देखते हैं, जिसको कि यहाँ पर बेलिन गाली दे रही होती है, जिसको कि फोबियाना को लग रहा था कि उसे अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, उसे कुछ अजीब लग रहा था, पर यहाँ पर सच्ची में बेलिन उसे गालियां दे रही थी। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है कि जब यहाँ पर फोबियाना को वो की मिली थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेलिन उसे आवाज लगाने की कोशिश करती है और ठक ठक करने की कोशिश करती है, जिससे कि बेलिन को लगे कि अंदर कोई है और वो उसकी हेल्प कर सके, उस की से उस सीक्रेट डोर को खोल सके। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर बेलिन जो थी वो आवाजें करती थी, तो ये सिंक का जो पानी था वो यहाँ पर हिलने लगता था, जिससे कि फोबियाना को लगता था कि अंदर कोई है। अब हम लोग देखते हैं कि फोबियाना यहाँ पर अंदर की उस सीक्रेट लड़की से बातें करने की कोशिश करती है, और उनका जो करने का कारण ये था कि वहां पर उनके जो जवाब थे वो सिर्फ यस और नो में ही चल रहे थे। पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो फोबियाना थी वो उस की से उस गेट को खोलने वाली थी, पर वो उस गेट को नहीं खोलती, क्योंकि उसको लगता है कि अगर यहाँ पर जो बेलिन है वो बाहर आ गई तो एड्रियन और फोबियाना के बीच का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर टूट जाएगा, और हम लोग देखते हैं कि वो उस गेट को नहीं खोलती। अब यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं, अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आने की वजह से फोबियाना की भी क्यूरियोसिटी जाग गई थी। हे गाइस, वेट वेट वेट, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है, जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर अनाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट अनाइम कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक दिन एक सस्पिशियस आदमी आता है और वो यहाँ पर फोबियाना को एक कुछ फोटोग्राफ्स देता है, जिसमें कि उस फोटोग्राफ्स में एड्रियन और वेरोनिका थे, जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब इस बारे में हम लोग देखते हैं कि जो एड्रियन था वहाँ पर वेरोनिका से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फोबियाना को, जो कि बिना रिप्लाई आने की वजह से उसके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी जागी थी उस गेट को खोलने की, और वो उस गेट को खोल देती है, और देखते हैं कि जो बेलिन है वो यहाँ पर बीमार पड़ी हुई है। पर तभी एकदम से बेलिन उठती है और फोबियाना के सिर पे एक गिलास फोड़ देती है, जिससे कि फोबियाना वहीं पर ही गिर जाती है और बेलिन बाहर निकल के आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेलिन फोबियाना को उसी सीक्रेट रूम में बंद कर देती है, और जिसकी चाबी अब बेलिन के पास थी, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोबियाना थी वो अंदर से गेट को नहीं खोल सकती थी। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब जो एड्रियन है वो घर के अंदर आता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे यहाँ पर बेलिन के कुछ सबूत मिलते हैं कि वो अपने घर में आई थी वापस। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेलिन फोबियाना का जो एक सबूत भी छोड़ जाते हैं कि फोबियाना उस कांच के ग्लास के पीछे है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये मूवी कुछ इसी तरह से खत्म होती है, और हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि जो फोबियाना है कि वो सीक्रेट रूम से बाहर निकल भी पाती है या नहीं। तो दोस्तों इस मूवी के फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों यहीं पर ही खत्म होते हैं। अगर आप लोगों ने कोई सा भी पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके देख लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।